अमृतसर में एक बार फिर धमाके की खबर सामने आई है। स्वर्ण मंदिर के पास पांच दिन में तीसरा धमाका, हालात चिंताजनक बने हुए हैं। पांच दिन में ब्लास्ट की तीसरी घटना, पिछले दिनों भी दो बार धमाके हो चुके हैं जिसके बारे में अभी तक पुलिस प्रशासन को कोई भी सुराघात नहीं लगा। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जाँच में जुटी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम इस समय मामले की जांच में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, तो देखिए एक और धमाके की आवाज सुनाई दी गई है और इसी को लेकर अब पुलिस प्रशासन की ओर से जांच की जा रही है। इससे पहले दो धमाके हो चुके हैं जिनके बारे में पुलिस को अभी कोई सुराघात नहीं लगा है और उसके बारे में भी अभी तफ्तीश जारी है। सवा बारह के आसपास यहाँ पे इंटीमेशन आई थी कि यहाँ पे एक लाउड साउंड हैज बीन हर्ड। इट इज सस्पेक्टेड दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक एक्सप्लोजन और हुआ है, बट बिकॉज अभी अंधेरा है और ये इस बिल्डिंग के पीछे हुआ है, वहां पे अभी तक एक कंफर्म नहीं हो पाया है कि वेदर इट इज अ ब्लास्ट और कोई और इंसिडेंट है। आर FSL टीम इज ऑन द स्पॉट, असी उन्हें वेरीफाई कर रहे हैं एंड एज अ पार्ट ऑफ द प्रिकॉशनरी मेजर्स एज पार्ट जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, हम सस्पेक्ट्स को राउंड अप कर रहे हैं, लोगों को वेरीफाई कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। इंसिडेंट का जो टाइम है दैट इज अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 12:15 एंड 12:30 दिस अर्ली मॉर्निंग। वेदर ये पहले जैसा है इसको मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता। मैंने अभी आपको कहा है कि वी आर नॉट श्योर क्योंकि पीछे अंधेरा है वहां पे। आर टीम इज देयर, FSL इज वर्किंग देयर, बट येस लाउड नॉइज डिड कम, वेदर इट वॉज एन एक्सप्लोजन। वेदर बड़े लंबे समय तो मैं देख रहा हाँ, पे जदों भी कोई सीरियसली घटना होंदी उह गुरु घरां दे विच होंदी आ, किसे होर धार्मिक फिरके दे विच इहो जिही गल नहीं होंदी। इह आ के गुरु घरां नूं टारगेट कीता जांदा ते इह दो साल तो लगातार इहनां दे विच बहुत वड्डा वाधा होया। आ जिहड़ी पिछे मरिंडे वाली होई आ घटना, उह गुरु साहिब जी ने आप ही कृपा बख्शिश करके सज़ा उहनूं दे दित्ती। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਬਲਾਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੱਲੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ एक घटना वापरी आ, ये मैं समझदा बहुत हिरदे बज के आ ते सानू सचेत भी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हरसिमरत पॉल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरसिमरत, देखिए एक के बाद एक लगातार यहां पर धमाकों से दहल रहा है अमृतसर। पांच दिन में ब्लास्ट की तीसरी घटना है, ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, कहीं ना कहीं क्या उन सवालों को लेकर, इन जांच पड़तालों को लेकर क्या कुछ चीजें साफ हो पाएगी, ये देखने वाली बात है। जी बिल्कुल दीपशिका, पिछले कई दिनों से खबरें आ रही थी कि अमृतसर में बम धमाके जो हैं वो हो रहे हैं। सबसे पहला जो धमाका था वो 6 मई को हुआ था, उसके बाद 8 मई को हुआ है और तीसरा धमाका जो है वो बीती रात हुआ है। इस तरह से पता लग रहा है कि ये सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। अगर हम इस पर नजर मारे तो एक दिन छोड़कर, जैसे 6 को हुआ तो 7 को छोड़कर 8 को ब्लास्ट हुआ और उसके बाद 9 को छोड़कर के 10 को ब्लास्ट हुआ। इस तरह से जो है ब्लास्ट की घटनाएं सामने आ रही थी। और आपको बताएं, DGP ने ये भी बताया है कि ये उनको इनपुट था कि तीसरा धमाका जो है होने वाला है, इस पर नजर रखी जा रही थी। इसी के चलते जो देर रात धमाका हुआ उसके बाद वहां से संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पहले एक संदिग्ध पकड़ा गया जो कि जाकर के वहां पर सराय में सो गया था और उसी से पता चला कि अभी यहां पर दो शक्की और हैं और वो दोनों न्यूली मैरिड कपल बताए जा रहे हैं, जिन्हें भी जाकर के हिरासत में लिया गया। और उसके बाद उनके पास से एक्सप्लोजिव भी मिला है, कुछ और बम भी मिले हैं और उसके बाद दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कुछ ही समय में DGP गौरव यादव भी इसके बारे में ब्रीफ देंगे। और वहीं अगर बात की जाए तो वहां के लोगों का कहना है जो वहां पर चश्मदीद थे, साथ ही साथ पुलिस का ये भी कहना है कि सिर्फ शांति भंग करने के लिए वहां पर एक्सप्लोजिव जो थे वो किए जा रहे थे। आपको ये भी बताएं कि वहां पर कुछ कागज भी मिले हैं, चिट्ठी टाइप कुछ कागज हैं जिन पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अभी उनमें क्या लिखा है इसके बारे में जानकारी तो नहीं दी गई है। जाहिर तौर पर जब गौरव यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ब्रीफ करेंगे, तो उसमें इसकी जानकारी भी दी जाएगी। आपको बता दें कि वहां पर संगत जो आती है उनके अंदर पैनिक क्रिएट करने के लिए ये सारा वाक्य जो है वहां पर किया गया है। आपको ये भी बता दें कि अभी
कल की ही बात है जब जालंधर में वोटिंग हो करके हटी है, वहां से तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का रास्ता जो है वो अमृतसर का है। जो भी लोग जालंधर जाते हैं उनका हमेशा ये मंशा रहती है कि वो आते हुए अमृतसर में मत्था जरूर टेक कर आए। वहां पर हरिमंदर साहिब और दुर्गाना मंदिर जैसे पावन स्थल है तो वहां पर जाने की भी श्रद्धा लोगों की रहती है। तो इस लिहाज से भी देखा जा रहा था कि जिस तरह से पंजाब में अभी बायपोल के इलेक्शन हुए हैं उसको लेकर के भी शांति भंग करने की ये प्रक्रिया हो सकती है, इसको लेकर के लगातार धमाके जो है वहां देखने को मिले। शुक्रिया हरसिमरत तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। स्वर्ण मंदिर के पास 5 दिन में ये तीसरा धमाका।